नमस्कार, स्वागत है आपका। कोरोना महामारी के बीच चीन ने जो अपनी विस्तारवादी नीति को और आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, उसको भारत ने पूरी तरह से फेल कर दिया है। हम भारतीय रणनीतिकार ब्रह्म चेलानी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने चीन को लेकर जिस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, जिस तरह की बातें की हैं, उसको लेकर के ग्लोबल टाइम्स को भी चिढ़ मची है और इसके साथ साथ चीन भी निश्चित तौर पर उनकी बातों के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। और ग्लोबल टाइम्स में छपे उनके नाम से 8 आर्टिकल ये बताते हैं, उनके नाम से मतलब उनके नाम का जिक्र है जिन आर्टिकल्स में, जिनको लेकर के ग्लोबल टाइम्स कहता है इस शख्स के बारे में। तो ऐसे में चिड़ निश्चित तौर पर चीन को मच रही है। लेकिन पहले आपको बताया कि किस तरह से शी जिनपिंग अपनी ही बनाई नीति में, यानी कि विस्तारवाद जो माओ के बाद अगर आप देखें तो शी जिनपिंग का नाम इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ कर लिया जाता है कि माओ के बाद उन्होंने जो विस्तारवादी नीति है उसको लगातार आगे बढ़ाया है। और ये सिर्फ जमीन का हिस्सा नहीं है, ये समंदर के हिस्से को लेकर भी हम आपसे बात कर रहे हैं। किस तरह से साउथ चाइना सी को भी उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश की है, ये जानते हुए कि दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के नेताओं ने चीन के इस कदम की निंदा भी की थी, उसके बाद भी चीन मानने को तैयार नहीं है। खैर, जो चेलानी साहब की बातें हैं उनको लेकर के अगर आप देखें तो उन्होंने गलवान में जिस तरह के सच को सामने रखा, उससे चीन को चिढ़ है। इसके अलावा जो बातें हमने सामने निकलती हुई आती हुई देखी, इस तरह से कि शी जिनपिंग की रणनीति किस तरह से फेल हो रही है, क्योंकि कोरोना वायरस की आड़ में वो ये चाहते थे कि अब हम अपनी विस्तारवादी नीति जो है उस पर बहुत ज़्यादा रैपिड एक्शन लेंगे, उसको बहुत ज़्यादा वायरल करेंगे। जिस तरह से उन्होंने कोरोना फैलाया, उसी तरह से वो चाहते थे कि अब हम इस तरह की जो हमारी अतिक्रमणकारी नीतियां हैं इनको भी तेजी से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें असफल किया भारत ने भी। ताइवान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, थाईलैंड का इलाका, थाईलैंड के साथ एक बड़ी पेट प्रोजेक्ट अगर आप उसे कहें कि शी जिनपिंग के बहुत करीब था उनके दिल के वो प्रोजेक्ट, उसको लेकर के थाईलैंड मना कर देता है। मलेशिया, इंडोनेशिया, कोई भी इस वक्त पे एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना के साथ खड़ा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और ऐसे में जब चीन हर तरफ से पिट रहा है तो ये लगातार ब्रह्म चेलानी की बातें, अब जो उन्होंने आज नहीं, ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ जो उनकी आर्टिकल की तरफ से बातें आई है और जिसको लेकर के अब भारतीय मीडिया भी लगातार कवरेज कर रहा है। और चीन की मीडिया में तो उनके नाम का इसलिए जिक्र है क्योंकि उनके नाम से चीन पूरी तरह से चिढ़ता है, लेकिन उनको कमतर आंकने की कोशिश ये निश्चित तौर पर ग्लोबल टाइम्स ने ही की है, जो कि एक तरह का मुखपत्र है, एक तरह का भोपू कह लीजिए आप उसे, सरकारी जो चीन का जो भी प्रोपेगेंडा है उसे आगे बढ़ाता है। इसे पत्रकारिता की भाषा में येलो जर्नलिज्म कहा जाता है, और जिसका काम होता है सेंसेशन क्रिएट करना, बेवजह की बातें जिसको हाइप देना, ये ग्लोबल टाइम्स का काम है। तो इसी वजह से उनके आर्टिकल्स में ब्रह्म चेलानी का नाम है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की बातें गलवान इंसिडेंट के दौरान सामने रखी, जिसमें चीन के मारे गए सैनिकों का जिक्र था, जिस तरह से उन्होंने जो 29 और 30 तारीख को हमने देखा कि भारत ने कैसे पेंगोंग त्सो के आसपास जो बड़ी डोमिनेशन हाइट्स, उसमें उन्होंने 20 पॉइंट्स का जिक्र किया था, और ये 20 वो हाई पॉइंट्स थे जिसमें अब भारत की डोमिनेशन है, तो उसको लेकर भी बातें की गई, और ये सारी बातें चीन पचा नहीं पा रहा है। और इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि शी जिनपिंग ने बनाई तो रणनीति ये थी कि कोरोना काल के दौरान वो निश्चित तौर पर उसी तरह से इसे फैलाएंगे अपनी अतिक्रमणकारी नीतियों को जिस तरह से कोरोना वायरस फैला है, लेकिन वो होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, और आगे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उस चीज़ में कोई बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन उसे मिल पाएगा, कोई बहुत ज़्यादा रफ्तार उसे मिल पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चीन से जुड़े ही नहीं बल्कि दुनिया भर से जुड़े मुद्दों से, भारत से लगातार आती खबरों को लेकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।